ऋषि करेगा लक्ष्मी की तलाश और फाइनली लक्ष्मी चली गई शहर छोड़कर सबसे दूर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम रानो को कहेगी कि लक्ष्मी को कह देना कि उस पर जो भी मुसीबतें आई हैं उसकी वो खुद जिम्मेदार होगी। यह सुनकर तभी रानो नीलम को कहेगी कि लक्ष्मी मिलनी भी तो चाहिए, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप पर मुसीबतों का पहाड़ आया है। जिसे सुनकर तभी नीलम रानो के घर से चली जाएगी, जहाँ पर लक्ष्मी स्कूल से घर आएगी और रानो लक्ष्मी को कहेगी कि अच्छा था तुम बाहर थी, अभी अभी यहाँ पर ऋषि की माँ नीलम आई थी तुम्हें ढूंढने के लिए लक्ष्मी। जिसे सुनकर तभी लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा। जिसे सुनकर तभी लक्ष्मी अपने मन में डरती हुई कहेगी कि पारो अब यहाँ पर नहीं रह सकती, एक पल के लिए भी पारो यहाँ पर नहीं रह सकती। ऋषि से लेकर सब लोग मुझसे मेरी पारो को लेने की कोशिश कर रहे हैं और अब मैं यहाँ पर एक पल नहीं रुकूंगी। ये रानो को कहकर लक्ष्मी अपना सारा सामान पैक करने लगेगी और लक्ष्मी कहेगी कि आज के आज शाम को मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, मुझे इस शहर में अब एक पल नहीं रुकना। तभी रानो कहेगी कि यही सही होगा लक्ष्मी, अगर तुम यहाँ पर इस शहर में रुकोगी तो वो नीलम कैसे भी करके तुमसे तुम्हारी पारो को छीन लेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि लक्ष्मी तुम इस शहर से दूर चली जाओ। जहाँ पर ऋषि घर में लक्ष्मी के बारे में सोच रहा होगा और आयुष ऋषि से पूछेगा कि ऋषि भाई क्या हुआ, लक्ष्मी भाभी मिली क्या। तभी ऋषि कहेगा हाँ और आयुष कहेगा क्या बोला लक्ष्मी भाभी ने, आपने पारो के बारे में बात की। तभी ऋषि कहेगा हाँ मैंने बात की, लेकिन लक्ष्मी पारो को मेरे साथ शेयर करने के लिए रेडी ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं है कि मैं पारो को साथ में पाल पोस कर बड़ा करूं। जिसे सुनकर तभी आयुष को काफी बड़ा झटका लगेगा और आयुष कहेगा कि ऋषि भाई आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की है, लक्ष्मी भाभी अपनी बेटी पारो को लेकर बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड है, लक्ष्मी भाभी को हमेशा लगा रहता है कि उनसे उनकी पारो को कोई छीन लेगा और इसीलिए हमेशा लक्ष्मी भाभी डरी सी और सहमी सी रहती है। जिसे सुनकर तभी ऋषि कहेगा हाँ आयुष ये तुमने सही कहा, लक्ष्मी पारो के लिए अनसिक्योर्ड है और उसे लगता है कि उससे पारो को कोई छीन लेगा जबकि ऐसा नहीं है। तभी आयुष कहेगा नहीं ऋषि भाई आप ये भी गलत कह रहे हैं, पारो को लक्ष्मी से छीनने के लिए नीलम मामी बैठी हुई है, नीलम मामी चाहती है कि वो अकेले रहकर पारो को पाले, हमारे घर में रखे, वो भी लक्ष्मी के बिना। जैसा सुनकर तभी ऋषि कहेगा हाँ लेकिन चलो आयुष अभी सबसे पहले मुझे जरूरी लक्ष्मी से बात करनी है, लक्ष्मी को मैं कहूंगा कि मैं अकेले रहकर पारो को पालूंगा वो भी तुम्हारे साथ लक्ष्मी। जैसा सुनकर तभी आयुष कहेगा वाह ऋषि भाई ये हुई ना कोई बात, आपको अकेले लक्ष्मी भाभी के साथ रहकर अपनी बेटी पारो की परवरिश करनी होगी तो ही लक्ष्मी भाभी अब तैयार होगी। ये फैसला करके ऋषि आयुष लक्ष्मी को ढूंढने के लिए लक्ष्मी की चाची रानो के घर जाएंगे, जहाँ पर रात हो चुकी होगी और रानो लक्ष्मी शालू और पारो को बस स्टैंड छोड़ आएगी और बस की सीट पे बिठा देगी। तभी लक्ष्मी पारो के साथ बस से चली जाएगी, जहाँ पर जब रानो अपने घर आएगी और ऋषि आयुष रानो को कहेंगे कि लक्ष्मी कहाँ है, तभी यह सुनकर रानो कहेगी मुझे नहीं पता लक्ष्मी यहाँ पर आई ही नहीं है। जिसे सुनकर तभी ऋषि आयुष को काफी बड़ा झटका लगेगा और आयुष कहेगा कि चाची आप प्लीज बता दीजिए, आप हमारे बीच की अड़चन मत बनिए, हमें लक्ष्मी भाभी से बहुत जरूरी काम है। जिसे सुनकर तभी रानो कहेगी तो मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, लक्ष्मी यहाँ पर सच में नहीं है, चाहो तो तुम ढूंढ सकते हो। जिसे सुनकर तभी ऋषि लक्ष्मी को पूरे घर में ढूंढेगा लेकिन लक्ष्मी कहीं नहीं मिलेगी और लक्ष्मी ऋषि की जिंदगी से दूर जा चुकी होगी। और यह लक्ष्मी का फैसला दूर जाने का सही है क्या नहीं और लक्ष्मी को ऋषि के साथ रहना चाहिए और पारो को ऋषि के साथ मिलकर पालना चाहिए क्या नहीं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।